कुनाल आप करो क्या पता आपके हाथों से स्टार्ट हो जाए। क्या आवाज आ रही है गाइस? ये वाली वायर मुझे भी खरीदनी पड़ेगी। ये वायर बहुत काम की है। ये बहुत काम की है। और चार्ज करने के लिए रेस कौन दे रहा है? अपन। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फिलहाल मैं उठ गया हूँ, लेकिन भाई बिस्तर से उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बिकॉज इतनी ठंड हो रही है ना। मन कर रहा है बस बिस्तर में से उड़ के सोए रहो, बट उठना तो पड़ेगा, एक काम करना है। तो उठता हूँ फिलहाल। पहले तो पानी गर्म करना पड़ेगा, फिर वेट करना पड़ेगा, फिर पानी गर्म होने के बाद फिर नहाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अम्मा। प्रणाम अम्मा। प्रणाम चाचा जी। प्रणाम। पैर भी नहीं छूने रहे, पैर भी नहीं छूने रहे, ये देखो पैर भी नहीं छूने रहे। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। चल 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 चल। सौरभ तो आता है ना बीच में, तब आता है वो। मैं खा रहा हूँ बीच में। राधे राधे। राधे राधे। सुबह खा ले वीरा। भाई बाथरूम में आने के बाद अलग ही ठंड लगती है, तो पानी लगा दिया मैंने गर्म करने के लिए। थोड़ा टाइम लगेगा गर्म होने में, फिर नहाएंगे। ब्रश करने वाला एरिया अपना ही है, ब्रश मैं यहाँ पे करता हूँ। तो भी नहा के रेडी हो गया हूँ, अब फिलहाल खाना खाते हैं। खीर, दाल, चावल भी है। पहले मुझे लगा दाल है, बट तो राजमा चावल है। तो खाना पीना खा के मस्त अब जा रहे हैं नए घर काम देखने के लिए। मतलब डेली का रूटीन होता है, एक बार जाते हैं सुबह सुबह, एक बार शाम को, दो टाइम जाते हैं घर का काम देखने के लिए। गाइज मम्मी जी खुशी देखो, मम्मी जी किचन बन रहा है ना यहाँ पे, देखो पूरा इतना बड़ा, वहाँ से लेके पूरा इतना बड़ा किचन है। मम्मी जी ने देखा भी नहीं है, सीधा बन रहा है मम्मी जी के लिए। देखो बर्तन साफ करने वाला और सारा सामान वगैरह के लिए दो एरिया अलग बन रहे हैं, एक एरिया वो है, एक एरिया ये, बाकी ये पूरा किचन। वो बना, ये तो बनाएगा ही नहीं, ये तो मैं इसको निकलवाऊंगी, वो बनाएगा तो वो तो रसोई के साथ। ये कह रहे हैं ना बाथरूम में करके यार, हमें किचन के साथ में वॉशरूम थोड़ा होगा। वही तो मैं कह रही हूँ, किचन के साथ में थोड़ा वॉशरूम होगा। वो तो हमने बना ही कर रखा है ना, किचन के अंदर थोड़ा वॉशरूम होगा। अच्छा यहाँ बर्तन धोएंगे। भाई मम्मी को लगा पहले ये जो है ना ये वॉशरूम है, मम्मी ने अभी जो हल्ला किया है, जो डांट दिया मम्मी ने। भाई गाइस अम्मा को ऊपर जाना था, लेकिन अभी यहाँ काम चल रहा है। भाई देव मम्मी पापा अम्मा बाबू और चाचा चाची का रूम रेडी हो चुके हैं, तीनों रूम। नहीं नहीं अभी तो बिजली की फिटिंग होगी, पाइप की फिटिंग होगी, लाइट की फिटिंग होगी। और ये है चाचा और चाची का रूम। ये वाला रूम अम्मा बाबू के लिए इसलिए है बिकॉज यहाँ पे ना देखो, यहाँ भी विंडो है, यहाँ भी विंडो है, यहाँ भी विंडो है, तो एकदम एयरी लगेगा। अगर विंडो खोल देंगे तो पूरा एकदम सफोकेशन नहीं होगी इसमें। तो अम्मा बाबू के लिए ये रूम सही है। और मंदिर वाला रूम भी कम्प्लीट हो गया है, ये पूरा मंदिर वाला है, जो काफी बड़ा है। ये भी सबसे बढ़िया चीज़ है हमारे घर के लिए, ये पार्क। तो भैया इस कुनाली स्कूल से आ चुका है और इसको इस तरह से लेके आ रहा हूँ मैं। देखो अरे भाई बहुत भारी है। ओलू कुनाली आगे हो रही। दिमाग आप घर में आते इतना हंगामा लड़ाई करते हो, आप स्कूल में कैसे रहते होगे? स्कूल में कैसे रहते हो बिना लड़ाई के? आप क्या दोस्तों से बात करता हूँ, दो लड़ाई नहीं करता दोस्तों से? स्कूल में मैडम नहीं होती ना, खच्चे खच्चे सब कुछ करते था, मैडम की डर भी स्कूल में। गाइज अभी पता नहीं क्या हो गया फॉर्च्यूनर को, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। भाई ये देखो जैसे बटन दबा रहा हूँ स्टार्ट ही नहीं हो रही है। ये देखो ये आवाज देखो भाई, पता नहीं क्या हो गया इसको, काफी दिन से चलाई भी नहीं है। गाइज यहाँ पे दिखा रहा है चेक इंजन विजिट योर डीलर। गाइज यहाँ पे ना इंजन में कुछ आवाज आ रही है, ध्यान से सुनो, ये देखो आवाज आ रही है इसमें कुछ। सर तो क्या हो गया इसमें, टीटी आवाज क्यों आ रही है? अभी तो सर्विस कराई थी 50,000 की, अभी सर्विस कराई थी, चलाई भी नहीं सर्विस के बाद। कुनाल अब इसको ले जा भी नहीं सकते ना हम, क्यों स्टार्ट ही नहीं हो रही है? धक्का मार के ले जाना पड़ेगा। एक काम करो गर्म पानी करके लाओ। क्यों? एकदम गर्म। क्यों? वो बैटरी में डल गया, पता बैटरी खराब हो गई हो। फॉर्च्यूनर को पता नहीं क्या हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रही की, डीजल की है। हाँ। ओ, इस ठंड के मारे ठंड से भी हो जाता। भाई 6 दिन हो गई गाड़ी नहीं चलाई हमने, 6 दिन से गाड़ी यहीं खड़ी है, बट मुझे लग नहीं रहा कि ये रीजन है, बिकॉज मेरी गाड़ी तो 15-15, 20-20 दिन भी खड़ी रहती है तब भी कुछ नहीं होता, और फॉर्च्यूनर के इंजन में तो वैसे ही प्रॉब्लम नहीं आती कभी भी। गर्म पानी आ चुका है, गर्म हो रहा ज्यादा, ये देखो ये व्हाइट व्हाइट रखा है ना। कुनाल आप करो क्या पता आपके हाथों से स्टार्ट हो जाए, मेरे हाथ पन होती है। पहले ब्रेक दबाओ, ब्रेक पूरा दबाओ। क्या आवाज आ रही है भाई? कुछ तो प्रॉब्लम है भाई। भाई ये प्रॉब्लम आज ही आनी थी, आज हम सबको जाना है पूरी फैमिली को। वही लाइट देखो, लाइट भी जल रही है। अरे कुनाली मत कर मत कर,
आवाज आ रही है इसमें से, चूहा तो नहीं है इसमें, चूहा तो नहीं है भाई। मुझे लग रहा है इसकी बैटरी खराब हो गई है, क्या पता चूहे ने तार काट दियो। चूहा ने अपनी तार काटी तो भी जा रहे हैं ओरियो घुमाने के लिए, कुत्ता और बिल्ली ढूंढ रहा है बस। पीयूष जा रहे हैं अब सीधा ट्यूशन, मिलते हैं सीधा 3 घंटे बाद। तो गाइस फाइनली बॉय भी आ चुके हैं अपनी फॉर्च्यूनर लेके, तो बॉय भी आ गए हैं, अब हमारी फॉर्च्यूनर ठीक हो जाएगी देख लेना, पक्का बॉय भी कर देंगे कुछ ना कुछ, बॉय भी अपनी फॉर्च्यूनर से हमारी फॉर्च्यूनर स्टार्ट कर देंगे देखना। दोनों फॉर्च्यूनर आमने सामने हो चुकी हैं। और क्या हो गया फिर गाइस, ये वाली वायर मुझे भी खरीदनी पड़ेगी, ये वायर बहुत काम की है, ये बहुत काम की है पॉजिटिव में रेड वाला। हां कुनाली आपको पता होगा ये चीज तो, कुनाली बताओ क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है बताओ। चलो चलो इन दोनों में से पॉजिटिव कौन सा है बताओ, पॉजिटिव बताओ कौन सा है इसमें बताओ इन दोनों पॉजिटिव को। ये पॉजिटिव है हाँ। ये नेगेटिव, हाँ ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये बैटरी में भी हम माइनस बना देखो। अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ये वाली गाड़ी स्टार्ट करेंगे, इससे ये वाली हो जाएगी स्टार्ट। फट रही है करंट तो ले आई कर दे, देखो मैं कर रहा हूं हैं, बम बम करूं मतलब एक कांस्टेंट रेट, गियर मत लगाना बस गियर मत लगा देना भाई। क्या मस्त लग रहा है देखो, एक फॉर्च्यूनर से दूसरी फॉर्च्यूनर चार्ज हो रही है, इसकी बैटरी शायद खत्म हो गई है जो भी है। और चार्ज करने के लिए रेस कौन दे रहा है, अपन कुछ नहीं होता, हमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मत कहा करो ना। अरे वो सब एक्सेलरेट कर रहा है वो, उसको पता है, उसको पता है। अभी कहां कर रही है गाइस, आज बॉय भैया पार्टी दे रहे हैं अपने एनिवर्सरी की, एनिवर्सरी तो चली गई, आज रात को मस्त पार्टी करेंगे पूरी फैमिली, हमारी फैमिली, बॉय भैया की फैमिली सभी। कुनाली अब मत, कुनाली अब मत कर, रुक जा। हो गई, एक तो अंगूठा चूस रहा है, ऊपर से फोन चला रहा है। चलो भाई सभी रेडी हैं स्काई डेक जाने के लिए, पूरी फैमिली जा रही है आज, आज डिनर नहीं बना घर में, डिनर आज सबका वहीं पे ही है। तो फिलहाल मैं भी रेडी हो गया हूँ जाने के लिए, भाई हम तो जाएंगे मिनी कुकर में। वो किस में आना है, कुकर में, कुकर में जाना है हाँ। आओ फिर जल्दी आओ, मैं भी कुकर में, मैं भी कुकर में, कुकर है कुकर, बात वही है भाई। सभी साथ में पहुंचे हैं देखो गाइस, बॉय भैया ने यहाँ पे देखो इतनी सारी प्लेट्स पहले ही रखवा रखी है हमारे लिए, और साथ में चटनी वगैरह सब रखवा रखी है पहले ही। तो गाइस हमारी पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, हैप्पी एनिवर्सरी। बाय 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 बाय। तो गाइस मस्त पार्टी हो चुकी है, अब चलते हैं सीधा घर। गाड़ी के ऊपर एक लेटर है, हाय सौरभ वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 40 मिनट्स। कोई बात नहीं, मयंक एंड अमन फिर मिलेंगे। तो भी घर पहुंच गए हैं, लेकिन आज बहुत मजा आया, फुल डांस किया हमने, बॉयबे की फैमिली ने भी, हमारी फैमिली ने भी। फिलहाल मैं एडिटिंग करता हूँ, स्लो करता हूँ, एंड आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत लेट हो चुका है देखो, 12 बजने वाले हैं यार, बहुत ही लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कभी 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 चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। गाइस कुनाली को देखो पागल हो गया है, नाक कटवा दे बस, ये देखो कुनाली को देखो पागल हो गया, लाइट के पीछे भाग रहा है। कुनाली आप अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो, कुनाली खुद की बेइज्जती करवाता है।